कैसे हो शंभू? ठीक ही हूँ भाई साहब। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मोदी सरकार ने तुम शरणार्थियों को नागरिकता का तोहफा जो दिया है। क्या बताऊं भाई साहब, मोदी सरकार ने हमें सहारा देने के लिए नागरिकता का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन कुछ लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं जा रही। अरे कौन है ये लोग? कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, राजद, सीपीआई, सीपीएम आदि के नेता हमारे ही भाइयों को भड़का रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, मुसलमान भाइयों को भड़काया जा रहा है। वही तो, CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नाम पर उनके बीच भ्रम और डर का माहौल बना रहे हैं कुछ लोग। पर कैसे? उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन CAA में ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ भाई साहब, केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि हम शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे और वहाँ धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आ गए हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। हाँ, केंद्र सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। अब बताओ भला, हम असहायों को नागरिकता मिल जाएगी तो उन नेताओं को क्या परेशानी हो रही है? हमारे पूर्वज भी तो आजादी से पहले भारत का ही हिस्सा थे। बंटवारे के बाद ये थोड़ी ना पता था कि पाकिस्तान में हमें काफिर समझा जाएगा और सिर्फ अल्पसंख्यक होने की वजह से हमें घोर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। बात तो आपकी सच है। और भाई साहब, धर्म के नाम पर प्रताड़ना भी ऐसी कि हम उस दर्द को बयां भी करने से घबराते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। क्या बताऊं भाई साहब, हमारे घर, जमीन सब पर कब्जा कर लेते थे। होली दिवाली भी छुप छुप के मनाना पड़ता था, मंदिर तक तोड़ देते थे, बच्चों के साथ स्कूलों में बदसलूकी होती थी, यहाँ तक कि हमारी बहू बेटियां भी वहाँ सुरक्षित नहीं थी। और तो और, वहाँ बड़ी संख्या में रहने वाले हिंदू, दलित और पिछड़े समाज के थे, जिन्हें आजादी के समय वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए जबरन रोक लिया गया था। उन लोगों से अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ओह, अगर ऐसा है तो भारत में जो पार्टियां और नेता दलितों व पिछड़ों की राजनीति करने का दम भरते हैं, वो क्यों नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं? ये बात कुछ समझ में नहीं आती। भाई साहब, वहाँ तो यूँ समझिए कि इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म को मानना ही पाप था। ऐसी स्थिति में हम भारत न आए तो कहाँ जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते हो यहाँ? एक तो कई साल से भारत के अलग अलग जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में जैसे तैसे बिना किसी सुविधा के रह रहे थे। उस समय नेताओं का हम पर ध्यान भी नहीं था, और अब जबकि मोदी सरकार हमें नागरिकता देकर सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, तो इन नेताओं को हमारी खुशी से परेशानी हो रही है। उन्हें तुम लोगों से परेशानी नहीं, बल्कि मोदी जी के सशक्त नेतृत्व से परेशानी है, और एक के बाद एक जनता के हित में फैसले लेने के कारण वे घबरा गए हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, मोदी सरकार सबको साथ में लेकर देश का विकास कर रही है, और ये विपक्षी दल डर रहे हैं कि कई सालों से देश के गरीबों को ठगने वाली उनकी राजनीति ही समाप्त ना हो जाए। अच्छा, यानी वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए भारत के मुसलमान समुदाय को डराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी झूठ फरेब और वोट बैंक की राजनीति फिर से चमक जाए। हाँ भाई, सही पकड़े हो। भाई साहब, तब तो मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मैं तो मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूँ, विपक्ष के झूठ फरेब और भ्रम की राजनीति से बचें, और हम सब भाई साथ मिलकर देश के विकास में मोदी जी का साथ दें। नया भारत बनाना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है।